अभी तक आपने जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि GSTR 1 के लिए जो डेटा कैसे तैयारी किया जाता है एंड बहुत ही इजी स्टेप हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स, और कहीं पर भी आप स्किप मत करिएगा क्योंकि आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएंगे और बाद में आप कमेंट करोगे, कमेंट करके आप अनऑप्शन आप बोलोगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है मैंने जीएसटी रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया है एंड यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये अभी जीप फाइल में है तो मुझे इसको अनजिप करना है। तो आप लैपटॉप से कर रहे हो या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड उसके बाद जो है लेफ्ट क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑल करना है, ठीक है। और आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपको अनजिप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए बोले आप कौन से फोल्डर में इसको आप अनजिप करना चाहते हो, तो मैं यहीं पर ही करना चाहता हूँ, मुझे फोल्डर सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑलरेडी जो है ये अनजिप हो गया है फ्रेंड्स। एंड इस फाइल के अंदर आपको क्या मिलता है, एड रिव्यू नहीं मिलता है एंड फॉरवर्ड रिपोर्ट मिलता है एंड रिवर्स मिलता है एंड रिवर्स शिपिंग वाला जो है वो मिलता है आपको। तो यहाँ पर जो 4 सीटें हैं यहाँ पे हमें 2 काम आने वाला है, बाकी 2 जो है वो हमें काम आने वाला नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड रिपोर्ट जो होता है फ्रेंड्स इसमें सेल रिपोर्ट होता है एंड रिवर्स वाला जो होता है इसमें रिटर्न वाला होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो में आप सभी को इन दोनों के बारे में बताएंगे और यहाँ से जो है हम सेल का डेटा लेंगे एंड रिवर्स वाला लेंगे। तो तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं हमारे साथ तो हाँ, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हम बहुत ही कम खर्चे में जो है जीएसटी फाइल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो डेटा है बिल्कुल मीशो का है, मैं ओनली मीशो का ही दिखा रहा हूँ। सेम तरीका है, आप चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, जो भी आप जहाँ पे भी सेल करते हो सेम तरीके से ही होंगे। तो चलिए यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, फॉरवर्ड वाला पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो है ओपन हो गया है, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं एंड उसके बाद जो है रिवर्स वाला को भी हम ओपन कर लेते हैं। इसको भी हमने ओपन कर लिया, दोनों ओपन कर लिया एंड अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए काम हो गया एंड यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन आ गया एंड यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड वाला सारा काम जो है हम फॉरवर्ड रिपोर्ट वाला जो सीट है इस सीट में हम नए दोनों सीट क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे जो है हम काम करेंगे GSTR 1 के लिए डेटा तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सीट जो है लेना है, उसके बाद और भी एक लेना है, दोनों मैंने ले लिया एंड उसके बाद यहाँ पे जो है मुझे रीनेम करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल डेटा, सेल का जो डेटा है GSTR 1, ओके सेल परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज, ओके एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड ये रिटर्न वाला होंगे, ये रिटर्न वाला, ओके। तो दोनों अलग अलग हो गया एंड यहाँ पे देखिए जो फॉरवर्ड वाला जो रिपोर्ट है यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे जो है आपको सेल का डेटा आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, इस फाइल को मैंने पहले ओपन किया था इसलिए जो है आपको यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तब आपको यहाँ पे इनेबल का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके जो है आप सीट में काम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब भी आप फाइल ओपन करें तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऑल टोटल जो है सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है एंड यहाँ पे जाके जो है ऑटो फिट कॉलम विथ जो है आपको करना है, हो गया काम। और यहाँ पे तो आपको बहुत सारे जो है डेटा आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन सारा डिटेल्स हमारे काम के चीज़ें नहीं है फ्रेंड्स। और तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हमें जो भी लाइन चाहिए जो भी कलम चाहिए वही कलम का हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है जस्ट हमें 3 कलम जो है चाहिए, मैं आपसे को बता देता हूँ। सबसे लास्ट में आइए, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए एंड कस्टमर स्टेट जो है ये वाला जो है आपको चाहिए, मैं यहाँ पे जो है थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ एंड TCS टैक्सेबल जो अमाउंट होता है ये वाला आपका कलम चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए रेट, क्योंकि
कितने परसेंटेज का प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। तो आप कितने कितने परसेंट का प्रोडक्ट सेल करते हो, ये देखिए ए वाला लाइन जो है हमें चाहिए, जीएसटी रेट, ओके। तो ये तीनों लाइन जो है हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो है सीधा उठा लेंगे, ठीक है, सीधा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और एंड यहाँ पे मैं आप सबको बता देता हूँ, ये जो है रिवर्स वाला है, ओके, ये रिवर्स वाला है। तो चलिए हम यहाँ से जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसको हम कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिपोर्ट में हम आ जाएंगे, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड रिपोर्ट में कहाँ पे डालेंगे, रिटर्न वाला ऑप्शन में डालेंगे, ठीक है। मैंने रिवर्स वाला जो डेटा है उस डेटा को हम रिटर्न वाले में, रिटर्न जो सीट है इसमें हम डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, हो गया। एंड उसके बाद फिर से हम जाएंगे, फिर से जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइन है टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम फॉरवर्ड रिपोर्ट में आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ओके, हो गया। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, रेट लेंगे, रेट। तो चलिए इसको हम रेट लेंगे, इस वाला ऑप्शन को, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ओके, कॉपी कर लिया मैंने। एंड उसके बाद यहाँ पे आएंगे, एंड फ्रेंड्स हम इस दोनों के बीच में लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इंसर्ट करते हैं, ओके, हो गया गाइस, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा, तो देखिए ये हो गया, जो रिटर्न जो था यानी रिवर्स वाला में जो भी डेटा था उस सारे डेटा को हमने यहाँ पे कॉपी करके लेकर आ गया है। एंड उसके बाद जो है इसके ऊपर हमें काम करना है, तो चलिए हम उसके बाद जो है सेल वाला जो डेटा है उस डेटा को भी हम कॉपी करके इस सीट में ले आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम काम करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे आना है, यानी यहाँ पे देखिए जो सेल वाला जो रिपोर्ट है, इस सेल वाला रिपोर्ट में जो है जो लाइन हमने वहाँ से लिया था वही सेम लाइन जो है हमें यहाँ पर यहाँ से भी लेना है, ठीक है, हो गया काम। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए एक जो है पूरा के पूरा डेटा जो है हमें अभी यहाँ से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अभी करेंगे, तो सबसे पहले जो हम रिटर्न वाला जो है इसको हम कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मीशो वालों ने एक काम जो है बिगाड़ दिया है, बिल्कुल गलत किया है, और इसके लिए जो है हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिटर्न वाला है सभी के सभी जो है हमें माइनस में दिखाना है। तो माइनस में हम दिखाएंगे, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले माइनस आपको लगाना होगा। तो मीशो वाला ये नहीं किया, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप जाओगे जो भी माइनस होगा वो वहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाता। तो इसलिए जो है हमें सबसे पहले यहाँ पे माइनस लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इक्वल टू, मैं कोड आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो है आपको टाइपिंग करना है। एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना है, एंड उसके बाद डबल कमा देना है, उसके बाद माइनस, उसके बाद डबल कमा, एंड उसके बाद सिंगल कमा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपको इस वाला लाइन को जो है आपको सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद जो है फिर से ब्रैकेट, और उसके बाद इंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स माइनस जो है यहाँ पे ऑलरेडी लग जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस लग गया। एंड यहाँ पे आप राइट क्लिक करके जो है डबल राइट क्लिक करेंगे तो सारे के सारे जो है माइनस में हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को जो है आपको कॉपी करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके दूसरी लाइन पे पेस्ट करते हैं, 1 2 3। एंड उसके बाद इस वाला लाइन को जो हम डिलीट कर देंगे, ओके। एंड इस वाला लाइन को भी हम डिलीट कर देंगे, ओके, चलिए हम डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, सारे के सारे जो है यहाँ से आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके कहाँ पे ले जाना है आपको, रजिस्टर वन सेल जो परसेंटेज है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, माइनस माइनस वाला। चलिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा आना है और बड़ा करना है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ख़राब लग रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है सबसे पहले, ऑनलिस्टेड, उसके बाद
रेट, उसके बाद टैक्सेबल। ओके तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑल टोटल जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, और उसके बाद यहाँ पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर टू कन्वर्ट, तो नंबर में कन्वर्ट हो गया। एंड उसके बाद हमें इसको भी करना है, सॉरी इसको भी करना है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। इसको भी हमने कर लिया, एंड उसके बाद इसको भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कम कर देना, थोड़ा बहुत ज़्यादा है, देखिए हो गया। ओके उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो डेटा है बिल्कुल तैयारी हो गया फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 90% हो गया और 10% बाकी है, तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए उसके सबसे पहले हम इसको A to Z करेंगे, फिल्टर में यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिल्टर में क्लिक करेंगे, उसके बाद सॉर्ट A to Z। ये देखिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश आ गया, उसके बाद जो है स्टेप बाई स्टेप आ गए, तो इसमें क्या होगा आपको काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्टेप बाई स्टेप स्टेट जो है आ गया है, तो कौन सी स्टेट में कितने परसेंट का सेल हुआ है वो तो हमें यहाँ से चाहिए, तो ये शॉर्टकट में कैसे होगा वो अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा है, उसके बाद यहाँ पे आइए और दाहिने तरफ यहाँ पे देखिए सब टोटल, तो इसको हमें सब टोटल करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा टैक्सेबल, टैक्सेबल जो है यहाँ पे ऑलरेडी राइट चिन्ह ही रहेगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी साम ही रहेगा, ठीक है, तो साम रहने देना है आपको। एंड उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, तो ओके जब आप कर देंगे तो आपका जो डेटा है GST R1 के लिए बिल्कुल तैयारी हो गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, तो 1 पे हम क्लिक करते, तो ग्रैंड टोटल कितना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ गया है, ठीक है। और भी आप कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट इजी है, बहुत ही ईजी है, वीडियो को आप पूरा देखते हो स्टेप बाई स्टेप, तो आपको आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर टू, नंबर टू में आओ, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से स्टेट में कितना कितना सेल हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आपको सब टोटल करके दिखा देता है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे 0 आ रहा है तो ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे माइनस आ रहा है ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जो यहाँ पे माइनस नहीं है वही आप GST R1 के अंदर डालें। उसके बाद और एक सवाल जरूर आपके मन में आता होगा, ठीक है, तो क्या आता होगा, नंबर थ्री पे हम क्लिक करते हैं। नंबर थ्री पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे फिल्टर लगा के जो है दिखा देता हूँ सबसे पहले, नहीं तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा एंड आप लोग जो है गाली गलौज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड फिल्टर को लगा लेते हैं। फिल्टर जब हम लगा लेते हैं तो मान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश में 5% का, 18% का एंड 12% के तीन कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सेल हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे। यहाँ पे देखिए 12% ही, ये भी 12% ही, यहाँ पे कोई अलग परसेंटेज का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 5% एंड 12% जो है दोनों है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करें ऑल टोटल को जो ऑल सिलेक्ट को जो है हटा देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार क्लिक करते हैं, बिहार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ओनली 1 12% ही है, तो चलिए थोड़ा नीचे आते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं, ये भी सेम है, यहाँ पे आपको माइनस दिखा रहा है लेकिन ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैंने छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे आपको ऑल टिक को हटा देना है। एंड उसके बाद 5% का सबसे पहले आपको कर लेना है, उसके बाद 12% का करना है, तो 5% में आप क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल टोटल जो है यहाँ पे आ जाते हैं कि 5% का कितना टोटल सेल हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये आपको GST R1 के अंदर 5% के हिसाब से जो है आपको डाल देना है।
एंड उसके बाद आपको क्या करना है, 5% का हटा देना है एंड उसके बाद ये 12% का सिलेक्ट करके जो है आप इस तरह से आपको करना होगा। तो ये 304 रुपया जो है 12% के हिसाब से आपको छत्तीसगढ़ में डाल देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो ग्रैंड टोटल है, ये ग्रैंड टोटल हम अभी आपको दिखाएंगे जीएसटी पोर्टल में जाके और टीसीएस से मैच करवाएंगे। एंड यहाँ पे मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो ग्रॉस वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो सेल का डेटा है वो मैंने पहले टोटल नहीं किया था। एक्चुअली जो रिटर्न आया थे वो रिटर्न का जो है मैंने माइनस में दिखाया, उसके बाद जो जो ग्रॉस वैल्यू है उसमें से हमने माइनस प्लस करके जो है हम यहाँ से ये बैलेंस को जो है टोटल बैलेंस को हम यहाँ पे किया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जाके जीएसटी पोर्टल में जाकर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस वैल्यू जो है यहाँ पे आ रहा है एंड जो है सप्लाई रिटर्न कितना है यहाँ पे आ रहा है एंड जो है नेट वैल्यू जो है यहाँ पे आ रहा है। तो नेट वैल्यू के साथ जो है हमारा मैच हो गया है, ठीक है। तो उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, 10 पैसे 5 पैसा कम ज़्यादा होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा होगा तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो आप सभी को पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।